हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये हमारा थर्ड लेक्चर है और एज यू नो कि हम इंजीनियरिंग कर्व को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम इंजीनियरिंग कर्व को कंटिन्यू करेंगे और डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज जो इंजीनियरिंग कर्व हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द इनवोल्यूट कर्व। यहाँ पे ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट थे, इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अगर आपने ये दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। इनमें से ये जो कर्व है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछे जाते रहे हैं। बाकी ये जो बाकी का पोर्शन है ये थोड़ा आप कह सकते हो कंपेरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, बट इसलिए इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनवोल्यूट कर्व को, तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनो एकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो इनवोल्यूट कर्व होती है वो कैसे जनरेट होती है, या फिर इनवोल्यूट प्रोफाइल को हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो इनवोल्यूट प्रोफाइल को जनरेट करने के लिए किसी भी सर्कल पे या पॉलीगन पे किसी भी थ्रेड को एक पॉइंट को फिक्स करके जब बाउंड या अनबाउंड आप करते हो तो उस थ्रेड का जो फ्री एंड है अगर उसे आप ट्रेस करते हो तो उसकी जो ट्रेसिंग होगी वो क्या जनरेट करेगी, एक इनवोल्यूट प्रोफाइल जनरेट करेगी। एक चीज आपको ध्यान करना है, जब बाउंड या अनबाउंड कर रहे हो आप तो आपका जो थ्रेड है वो टाइट होना चाहिए, और जब वो टाइट होगा तो उसके जो फिक्स पॉइंट होगा उस पॉइंट पे वो पर्टिकुलर उस सर्कल पे या फिर वो साइड ऑफ पॉलीगन पे क्या होगा, टेंजेंट होगा। इसको इस एक तरीके से और हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ द स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन हो या फिर आप कह सकते हो कोई स्टिक हो, कोई रॉड हो, किसी भी सर्कल पे इसको आप रोल्ड कर रहे हो, इस सर्कल पे इसको आप रोल्ड कर रहे हो और इस तरीके से कि उस पे वो स्लाइड या स्लिप नहीं कर रहा है, तो द पॉइंट ऑन द लाइन विल ट्रेस्ड आउट अ इनवोल्यूट। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पे क्या होगा, अगर आप उसको ट्रेस आउट करोगे तो वो एक इनवोल्यूट प्रोफाइल जनरेट करेगा। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो यहाँ पे एनिमेशन आपको दिख रहा होगा, इस एनिमेशन को आप देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली किस तरीके से ये जनरेट होता है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो इनवोल्यूट ऑफ द सर्कल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनवोल्यूट कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं, तो ये सर्कल का इनवोल्यूट है जहां पे एक स्ट्रिंग को आप क्या कर रहे हो, इसके सर्कमफेरेंस पे बाउंड कर रहे हो, एक पॉइंट को फिक्स कर रहे हो, ये फिक्स हो रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर फिक्स हो रहा है फिर ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से जब इसको अनबाउंड आप करोगे तो भी एक इनवोल्यूट प्रोफाइल जनरेट होगी, तो चाहे बाउंडिंग हो चाहे अनबाउंडिंग हो दोनों ही केस में एक इनवोल्यूट प्रोफाइल जनरेट होती है। और इस सर्कल को हम कहते हैं बेस सर्कल। इस बेस सर्कल के जगह पे आप पॉलीगन भी ले सकते हो, पॉलीगन चाहे पेंटागन स्क्वायर ट्रायंगल कुछ भी आप ले सकते हो, अगर उसके ऊपर से एक टाइटली स्प्रिंग को आप बाउंड या अनबाउंड करते हो तो वहां पे जो प्रोफाइल जनरेट होती है उसे हम, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ द इनवोल्यूट ऑफ सर्कल। देखो यहाँ पे दो सर्कल हैं और दोनों के जो इनवोल्यूट प्रोफाइल हैं एक दूसरे के साथ मेस कर रहे हैं। मेस क्यों करती हैं ये प्रॉपरली, क्योंकि इनमें ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी होती है। ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी ये हम प्रॉपर्टी में आगे पढ़ेंगे भी, ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी मतलब होता है कि इनके लेंथ, इनके सब्जेक्ट एंगल, इनका जो आर्क बनता है ये सारा सिमिलर होता है, सेम शेप का होता है, साइज में भी डिफरेंट। जो आपका बेस सर्कल है उसकी रेडियस अलग हो सकती है, आपके टेंजेंट की लेंथ अलग हो सकती है, सबट्रैक्टेड एंगल अलग हो सकता है, बट जो शेप होगा जो देखने में आपको दिखेगा वो सिमिलर दिखेगा, साइज अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देना है कि ये दो इनवोल्यूट प्रोफाइल जब एक दूसरे को मेस होती है तो जहां से मेसिंग, जो इनका कॉन्टेक्ट पॉइंट है जहां से मेसिंग स्टार्ट हो रही है, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये दोनों जो सर्कल है दोनों सर्कल पे क्या है, ये टेंजेंट है, मतलब इन दोनों का कॉमन टेंजेंट का जो पाथ है उसके ऊपर ये मूव कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे इसके टाइप्स की हम बात करें तो जो भी प्रोफाइल होती हैं हर प्रोफाइल पे अगर आप बाउंड या अनबाउंड करते हो तो बेसिकली उस प्रोफाइल पे वो प्रोफाइल का इनवोल्यूट जनरेट हो जाएगा। तो जैसे हम कहते हैं इनवोल्यूट ऑफ द सर्कल, उसी तरीके से इनवोल्यूट ऑफ द कंटेनरी, उसी तरीके से इनवोल्यूट ऑफ डेल्टॉइड पैराबोला इलिप्स, ये सारे क्या होते हैं, इन सारे जो भी आपका इन सिंपल हम कहें तो जो भी आपका सर्कल है या फिर पॉलीगन है उस पर किसी भी रोप को आप बाउंड अनबाउंड करोगे तो एक प्रोफाइल जनरेट होगी। यहाँ पे हम इन सारे प्रोफाइल्स को वन बाय वन करके सिंपल ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक जो है इनवोल्यूट ऑफ द सर्कल ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फिजिकल एप्लीकेशन ज्यादा होता है, तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे इसी की प्रॉपर्टी को भी हम डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। बाकी जो है ये थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में कम यूज होती है, बट ये वाला जो है इनवोल्यूट ऑफ द सर्कल ये कुछ ज्यादा ही यूज होता है।
और इससे पहले जो आपने एनिमेशन भी देखा वो भी किसका एनिमेशन था, दैट इज द इन्वोल्यूट ऑफ द सर्कल। आगे हम बाकी एनिमेशन भी देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एक बेस सर्कल है, इसे आप क्या कहते हो, बेस सर्कल कहते हो। और यहाँ पे एक आपकी रोप है, सपोज ये रोप की लेंथ है और ये रोप की लेंथ इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जब इसको बाउंड करते हो तो ये पॉइंट इससे चिपक जाएगा, तो फिर ये आर्क बन जाएगी आपका। अब देखो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट भी है, दूसरा पॉइंट ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, फिर बची हुई जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है ये आर्क बन जाएगी। तो आप कह सकते हो कि ये आपका एक सेंटर है और ये पूरा एक सर्कल बना रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आप जब बढ़ोगे तो ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और बचा हुआ ये जो पोर्शन है ये आपका आर्क बन जाएगा। तो इस तरीके से आते आते ये पॉइंट यहाँ पे एंड हो जाएगा और ये जो प्रोफाइल आपको जनरेट होगी इसे आप कहते हैं इनवोल्यूट ऑफ द सर्कल। इसी तरीके से ये पेंटागन का इनवोल्यूट है, ये ट्रेंगल का इनवोल्यूट है, ये स्क्वायर का इनवोल्यूट है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट प्रोफाइल का इनवोल्यूट प्रोफाइल जनरेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बट मैक्सिमम जो एप्लीकेशन होता है वो इनवोल्यूट प्रोफाइल किसका होता है, सर्कल का होता है। और जो आपका इनवोल्यूट ऑफ द सर्कल होता है वो सिमिलर होता है आर्किमिडियन स्पाइरल के। आर्किमिडियन स्पाइरल बेसिकली क्या होता है, ये भी एक तरह की प्रोफाइल होती है जो बेसिकली यूज होती है आपके रोटर और कंप्रेशन में। नीचे आप इसका एक एनिमेशन भी देख सकते हो। तो बेसिकली ये जो एनिमेशन आपको दिख रहा है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ स्क्रोल कंप्रेशन, जो कि बेसिकली बेस्ड होता है आर्किमिडियन स्पाइरल पे, जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमारी इनवोल्यूट ऑफ सर्किल होती है, दैट इज द सिमिलर टू द आर्किमिडियन स्पाइरल। और जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो इनवोल्यूट ऑफ द सर्कल होता है इसका प्रैक्टिकल यूज सबसे ज्यादा होता है, और जहां पे भी रोटरी कोई मैकेनिज्म होता है, टीथ जनरेशन होता है, उन सभी जगहों पे, जैसे कि गियर इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है, जैसे कि पहले भी आपने गियर का एनिमेशन देखा, तो वो सारा क्या है, एक तरह का इनवोल्यूट ऑफ द सर्कल है। अब हम डिस्कस करते हैं इनवोल्यूट ऑफ द कंटेनरी। इनवोल्यूट ऑफ द कंटेनरी क्या होता है, बेसिकली एक तरह की हैंगिंग रोप है या केबल है, कुछ भी अगर इसके दो पॉइंट से आप क्या कर लियो, पकड़ लियो, तो कुछ तो इस तरीके से आपकी रोप हैंग होगी और इस पे जो प्रोफाइल जनरेट होती है उसे हम कहते हैं इनवोल्यूट ऑफ द कंटेनरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक तरह के आपके कंटेनरी है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपकी इनवोल्यूट प्रोफाइल जनरेट हुई है। यहाँ पे आप एनिमेशन भी देख सकते हो, एंड दिस इज द एनिमेशन ऑफ इनवोल्यूट ऑफ कंटेनरी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये बाउंड हो रहा है थ्रेड और किस तरीके से अनबाउंड हो रहा है, तो ये एक तरह के प्रोफाइल जनरेट कर रहा है। तो ये भी बेसिकली एक तरह का इनवोल्यूट का एग्जाम्पल है। आगे कुछ और इनवोल्यूट के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आपका डेल्टॉइड का इनवोल्यूट का एग्जाम्पल है, पैराबोला का इनवोल्यूट का एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप एलिप्स के इनवोल्यूट का एग्जाम्पल देख सकते हो, और ये कुछ एनिमेशन है जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये जो बेसिकली इनवोल्यूट है किस तरीके से जनरेट होते हैं, बट बहुत ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये एनिमेशन देख लीजिए आप, यहाँ पे आपको इनवोल्यूट ऑफ एलिप्स दिख जाएगी, देख रहे हो ये किस तरीके से ट्रेसिंग हो रही है और ये पूरी प्रोफाइल जनरेट हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड द इनवोल्यूट ऑफ एलिप्स। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो इनवोल्यूट प्रोफाइल होती है वो किस तरीके से ड्रॉ होती है। ऑलरेडी आपने एनिमेशन भी देख लिया, आपको चीजें समझ में भी आ गई होंगी किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, बट थोड़ा सा फिजिकली देख लो, बेसिकली ग्राफिक्स में आपको ये चीजें जाननी चाहिए, बट एग्जाम पॉइंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है नहीं। सपोज कर लीजिए ये आपका बेस सर्कल है, इस पे आपने ढेर सारे टेंजेंट अलग अलग पॉइंट पे ड्रॉ कर दिए। आपको पता है इनफाइनाइट नंबर आप टेंजेंट हो सकते हैं, जितने पॉइंट आप सेलेक्ट करोगे उतने टेंजेंट हो जाएंगे, तो कुछ टेंजेंट आपने ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको इनवोल्यूट प्रोफाइल ड्रॉ करनी है, तो आप क्या करोगे, दो एडजेसेंट टेंजेंट को आप ले लोगे, दोनों को एक्सटेंड करोगे अपोजिट साइड में जहां पे वो कट करेंगे। सपोज हमने इसको ले लिया और इसको ले लिया, ये कुछ यहाँ पे कट करते हैं, तो इसको और इस एंड पॉइंट को लेके आप एक आर्क ड्रॉ कर लोगे, तो ये जो आर्क होगी ये फर्स्ट आर्क हो जाएगी। इसी तरीके से आप दूसरा ले लेते हो, इसको और इसको ले लेते हो, ये जहां पे कट करेगा एंड पॉइंट को लेके आप फिर से एक आर्क ड्रॉ कर लोगे, तो इस तरीके से आप नेक्स्ट वाले को ले लोगे, तो इस तरीके से आप आर्क ड्रॉ करते जाओगे और आपको एक इनवोल्यूट प्रोफाइल कुछ इस तरीके से मिल जाएगी, जैसे कि आगे हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये सारे प्रोसेस मेंशन है कि किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, बट जैसे कि मैंने पहले कहा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब ये जो प्रॉपर्टी ऑफ इनवोल्यूट है ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, आगे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो इसको आपको ध्यान से समझना है सारे पॉइंट्स को। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, अ परपेंडिकुलर टू द इनवोल्यूट सरफेस इज ऑलवेज टेंजेंट टू द बेस सर्कल। जैसे कि हमने कहा कि आपको कोई इनवोल्यूट प्रोफाइल जनरेट करनी है तो आपके पास एक बेस सर्कल होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका ये बेस सर्कल है,
तो यहां पे कह रहे हैं परपेंडिकुलर टू द इनवोल्यूट सरफेस, और ये इनवोल्यूट सरफेस है आपका, इसके नॉर्मल जो लाइन है वो हमेशा बेस सर्कल पे क्या होगी, टेंजेंट होगी। किसी भी पॉइंट से ले लीजिए, ये आपका पॉइंट है, यहां पे आप पॉइंट ले लीजिए, यहां पे देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये जो नॉर्मल होगा दैट विल ऑलवेज अ टेंजेंट टू द बेस सर्कल। और ध्यान रखना एक प्रोफाइल का, एक इनवोल्यूट प्रोफाइल का एक बेस सर्कल तो होगा ही होगा, केवल एक ही बेस सर्कल होगा। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है फॉर एनी इनवोल्यूट देयर इज ओनली वन बेस सर्कल, तो जैसे ये एक इनवोल्यूट प्रोफाइल है उसका ये एक बेस सर्कल है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, द लेंथ ऑफ द सच टेंजेंट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इनवोल्यूट एट दैट पॉइंट। वेरी सिंपल, देखिए ये आपका क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इस पॉइंट को अगर आप कंसीडर करो तो ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और यही लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस इनवोल्यूट के लिए। सिंपली आपने किया क्या, इसको दो तरीके से समझिए, इसको आप सेंटर मान लीजिए और ये पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट को लेके आप एक क्या कर सकते हो, एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। इसी तरीके से हर पॉइंट से आप कर सकते हो, ये आप सेंटर ले लीजिए, यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, तो उस टाइम पे ये रेडियस होगा। यहां पे हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहां पे चूंकि अलग अलग लेंथ है, एक डिफरेंट प्रोफाइल जनरेट हो रही है, तो ये जो लेंथ है इस पूरे आर्क के लिए, ये जो पूरी आर्क है, एक इनवोल्यूट है जिसे हम इनवोल्यूट कह रहे हैं, इस पूरी इनवोल्यूट के लिए क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, फॉर एनी बेस सर्कल, किसी भी बेस सर्कल के लिए देयर इज अ फैमिली ऑफ इक्विवेलेंट इनवोल्यूट, बहुत सारे इक्विवेलेंट होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होंगे ना, जहां पे जिस कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हो आप, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हो, यहां पे भी एक पॉइंट ले लेते हो, तो अलग अलग पॉइंट पे आपको अलग अलग इनवोल्यूट्स मिल जाएंगे ना। देखो अलग अलग इनवोल्यूट, देखो ये पॉइंट लिया यहाँ पे, बेसिकली ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, कुछ 5 to 6 पॉइंट लिए, ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ले सकते हो, जहां से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ऑफ ड्रॉ कर सकते हो, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल सकती है। हाँ, सबका स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एक तरह की सिमिलरिटी भी मिलती है, सिमिलरिटी, ज्योमेट्रिकल सिमिलरिटी जिसे हम कहते हैं, साइज डिफरेंट होगा बट वो क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल सिमिलर होंगे, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया और आगे ये आएगा भी। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इनवोल्यूट सर्फेस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ टेंजेंट, वेरी सिंपल वही चीज कह रहे हैं, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेसिकली इस इनवोल्यूट के लिए, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस इनवोल्यूट के लिए, इस पॉइंट के लिए पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो वही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। When the radius of the base circle approaches to infinite, अगर radius of base circle, मतलब ये जो base circle है इसकी radius क्या हो जाए, infinite हो जाए, तो वो खुद भी एक straight line बन जाएगा, तो यहाँ पे जो involute होगा वो भी एक तरह का straight line ही होगा, तो ये भी important point है, आप इसको ध्यान रखना। इनवोल्यूट टू द डिफरेंट बेस सर्कल आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर, ये ज्योमेट्रिकली सिमिलर होते हैं इसीलिए तो इस प्रोफाइल पे गियर बनती है ताकि उसका मेसिंग प्रॉपर हो। ज्योमेट्रिकली सिमिलर का मतलब वहां पे जो एंगल होगा वो इक्वल होंगे, करेस्पॉन्डिंग लाइन कर्व्स ये सभी इक्वल होंगे। देखिए इक्वल का मतलब यहाँ पे ये है कि ये एक सर्कल है, इसकी एक इन्वोल्यूट जनरेट हुई, मान लीजिए इस सर्कल को थोड़ा सा आप जूम कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए, ये सर्कल आप यहाँ पे बड़ा बन गया, तो कुछ ये वाली इन्वोल्यूट जनरेट होगी, ये वाली इन्वोल्यूट जनरेट होगी, ठीक है, ये वाली इन्वोल्यूट जनरेट होगी, बट ये क्या होंगे, सिमिलर दिख रहे हैं ना आपको, सेम दिख रहे हैं, साइज अलग अलग हो सकती है, आर्क लेंथ अलग हो सकती है, बट ये क्या होंगे, ज्योमेट्रिकली सिमिलर होंगे, एक जैसे दिखेंगे। तो इसी प्रिंसिपल पे हम क्या बनाते हैं, गेयर बनाते हैं, जिससे उसकी, क्योंकि ज्योमेट्रिकली सिमिलर है इसलिए इनकी मेसिंग प्रॉपरली हो पाती है। मैथमेटिकली जो इन्वोल्यूट होता है, एक तरह की जो इन्वोल्यूट कर्व होती है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल होता है। इस फंक्शन के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है, मैंने भी कई बार जब मैथमेटिकल फंक्शन डिस्कस करते हैं तो वहां पर डिस्कस किया है। तो इन शॉर्ट ये क्या है, एक तरह का कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल फंक्शन है, और ये हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इसके पास एक नॉर्मल और एक टेंजेंट होगा। अगर कोई दो इनवोल्यूट आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं तो उनमें कॉमन और कॉमन, कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट होगा। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको गियर प्रोफाइल दिखाया था एनिमेशन में, वहां पे आपने देखा था कि वो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट मूव कर रहा था, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, उनके कॉमन टेंजेंट के साथ मूव कर रहा था।
ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल है आपके इन्वोल्यूट प्रोफाइल की। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो आपका सर्कल है, इस पे जो इन्वोल्यूट प्रोफाइल बाहर बनी हुई है, ये इन्वोल्यूट प्रोफाइल यूनिफॉर्म मोशन के साथ इस पर्टिकुलर सेंटर पे रोटेट हो रही है। अगर ये यूनिफॉर्मली रोटेट हो रही हैं, तो किसी पर्टिकुलर टेंजेंट को भी ये क्या करेंगे, यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन मोशन करवाएंगे। और बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फंडामेंटल है, इसको हम यूटिलाइज करते हैं कैम के फंडा। यहाँ पे आप इनवोल्यूट सिमिलरिटी की प्रोफाइल देख सकते हो कि किस तरीके से सिमिलरिटी होने की वजह से इन प्रोफाइल्स की, दो प्रोफाइल अलग अलग हैं, दोनों की मेसिंग हो रही है, जिसका एप्लीकेशन आप बेसिकली गेयरिंग में करते हो। अगर आप इसके एप्लीकेशन की बात करें, तो बेसिकली ये गियर इंडस्ट्री में यूज होता है टीथ जनरेट करने के लिए, या कोई भी रिवॉल्विंग मशीन होती है जहां पे बेसिकली गियर लगते हैं वहां पे होता है। स्क्रोल्ड कंप्रेशर, गैस कंप्रेसिंग डिवाइस, इन सब में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया आपके इन्वोल्यूट ऑफ सर्कल, वहां पे वो सिमिलर होता है अकमडीजर स्पाइरल के, और अकमडीजर स्पाइरल क्या होता है, यूज किया जाता है यहाँ पे कंप्रेशन के लिए, गैस कंप्रेशन या फिर स्क्रोल्ड कंप्रेशन के लिए। तो ये दोनों यूज किए जाते हैं बेसिकली। इन वाइंडिंग क्लॉथ ट्वा, इन सब के जगह पे जहां पे भी मोशन होता है बेसिकली, इन शॉर्ट हम कहें स्पाइरल मोशन होता है, वहां पे भी इन सब प्रोफाइल्स का यूज किया जाता है। ये भी एक तरह का स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, जो बेसिकली रिएक्टर्स होते हैं उनमें जो फ्यूल एलिमेंट्स होते हैं वो भी इन्वोल्यूट प्रोफाइल्स के होते हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया जो गियर इंडस्ट्री होती है, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है आपका इन्वोल्यूट के लिए भी और आपका साइक्लोइडल के लिए भी। ये दोनों प्रोफाइल बेसिकली गियर इंडस्ट्री में यूज होती है टू मैन्युफैक्चर द गियर। यहाँ पे जो आपकी टीथ की प्रोफाइल दिख रही है, ये दो टाइप्स की होती है, आइदर ये साइक्लोइडल होती है या फिर इन्वोल्यूट होती है। अब इनका डिटेल डिस्कशन आपको मशीन डिजाइन में पढ़ना होता है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है। अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इन्वोल्यूट कर्व, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। इन्वोल्यूट कर्व क्या होता है, इसका फर्स्ट पॉइंट ही सही है, पॉइंट लोकस ऑन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विच रोल्ड अराउंड द सर्कल विदाउट स्लिपिंग, जो कि सर्कल पे रोल्ड करता है बिना स्लिप की है स्ट्रेट लाइन। जब हम इन्वोल्यूट कर्व का डिफिनेशन पढ़ रहे थे, तो वहां पे जो सेकेंड लाइन में पॉइंट मेंशन था वो यही था, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ए करेक्ट होगा, और आपने एनिमेशन भी देखे हैं इसके। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, द पाथ ऑफ द पॉइंट टू द कॉन्टेक्ट बिटवीन द इन्वोल्यूट टीथ प्रोफाइल गियर इज, क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, आपने देखा दो गियर जब मेस कर रहे थे तो उनके कॉन्टेक्ट पॉइंट जो था उनके कॉमन टेंजेंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा बी होगा। आपको इन्वोल्यूट प्रोफाइल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वो सारे क्वेश्चन आपके मशीन डिजाइन से रिलेटेड होते हैं, टीथ से रिलेटेड होते हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग ड्रॉइंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली जो ड्रॉइंग से रिलेटेड फंडामेंटल है उसी को डिस्कस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जब आप डिटेल में मशीन डिजाइन पढ़ोगे, तो वहां पे इन्वोल्यूट प्रोफाइल पे काफी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इन्वोल्यूट गियर द नॉर्मल टू द इन्वोल्यूट इज टेंजेंट टू, किस पे टेंजेंट होता है, बेस सर्कल पे टेंजेंट होता है। ये चीजें ऑलरेडी हमने देख लिया, किसी भी इन्वोल्यूट प्रोफाइल पे जब कोई नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो बेस सर्कल पे क्या होगा, टेंजेंट होगा, ऑलरेडी हमने देख लिया। फॉर एनी इन्वोल्यूट देयर इज ओनली वन बेस सर्कल, किसी भी इन्वोल्यूट के लिए एक बेस सर्कल ही आपको चाहिए एक इन्वोल्यूट प्रोफाइल के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इन्वोल्यूट सरफेस इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होता है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द बेस सर्कल, बेस सर्कल में जो टेंजेंट है यही उसके इक्वल होता है, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द रेडियस ऑफ द बेस सर्कल अप्रोचेज इनफाइनाइट द इन्वोल्यूट बिकम अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो रेडियस इतनी बड़ी हो जाएगी तो जो बेस सर्कल की रेडियस है वो खुद में भी एक स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी। तो उस पर बाउंड करो तो दोनों क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे कुछ भी बाउंड करोगे तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी ना, रोटेशन का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो डी करेक्ट है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन है। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।